6 दिसंबर बाबरी मस्जिद शहादत दिन के अलावा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मानने वालों का महानिर्वाण दिवस भी होता है। वहीं 12 नवंबर के पेश नज़र इस 6 दिसंबर को लेकर मुकामी पुलिस महकमा नहायत मुस्तैद है। कल अमन कमेटी की मीटिंग लेकर सभी समाज और तंजीमी अदारों को कानून की पासदारी अमन अमान के लिए अपील की गई। पुलिस इंतजामिया इस जानिब से शहर में तंजीमों अदारों कल्बों और सोशल मीडिया पर भी नज़र रखे हुए है। तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है। कल 6 दिसंबर को लेकर पुलिस इंतजामिया मुकम्मल निगरानी कर रही है। आज पुलिस की जानिब से रूट मार्च भी निकाला गया। वाज़े रहे कि जनता दल सेकुलर जो हर साल अजान दिया करती थी उनको भी नोटिस दी गई कि कल किसी भी तरह की कोई तकरीब ना हो ताकि शहर में अमन शांति कायम रहे। वहीं अति कमाल लोक संघर्ष समिति वगैरह भी हर साल सुलेमानी मस्जिद के पास अपना एहतजाज दर्ज करवाते हैं, इन लोगों को भी नोटिस दी गई है। इसके अलावा सिराज चौक चुना भट्टी इलाके में सेकुलर समाज सेवक की जानिब से अयाज हलचल भी हर साल प्रदर्शन किया करते थे, उनको भी पुलिस इंतजामिया ने नोटिस देकर कल किसी भी तरीके के तकरीब के इनेकात को ममनू बताया है। आज का ये पुलिस मार्च सिटी पुलिस स्टेशन से शाम 5:30 बजे निकला। कोदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड, अंजुमन चौक, राम सेतु पुल, आज़ाद चौक, नेहरू चौक इलाकों से होता हुआ वापस सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचा। आज के इस रूट मार्च में 2 DYSP, 8 PI API, 17 PSI, 208 हवलदार और 500 होमगार्ड समेत मिलिट्री और RSF का दस्ता भी मौजूद था। बड़ी गाड़ियों और भारी भरकम फौज फाटे के साथ पुलिस का ये रूट मार्च शाम शहर की अहम शाहराहों पर इस बात को लेकर मुतहर्रिक था कि कल 6 दिसंबर को लेकर पुलिस इंतजामिया मुतहर्रिक है। कल 6 दिसंबर अमन अमान की पासदारी करते हुए कानून का ख्याल रखते हुए शहर में अमन अमान कायम रखने में मदद करें, इस तरह की गुजारिश इंतजामिया की जानिब से की गई है। वहीं इंतवा भी दिया गया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की पोस्ट अरसाल ना करें, कल 6 दिसंबर अमन सुकून के साथ गुजरे ताकि शहर का मुत्तहिदा वकार बहाल हो सके। इस ताल्लुक से मुकामी ज़िला SP सचिन पाटिल भी कल मालेगाँव शहर थे। आज मुकामी ASP खांडवी ने भी इस बाबत नुमाइंदा अफराद से गुफ्तगू करते हुए कल 6 दिसंबर को अमन अमान के लिए ताउन की अपील की।